अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उस पर सिर्फ आपके पास 0 से लेकर 9 तक कीज़ होती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 0 से लेकर 9 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, लाइक 1 1, ठीक है। एंड ये 1 1 जो है इस रेंज के अंदर आ जाता है आपके पास, लाइक 1 2 1 3 1 4। इसीलिए आपके कीबोर्ड पे सिर्फ जो है 0 से लेकर 9 तक कीज होती हैं। आज हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और तीसरा है डेसिमल, हेक्साडेसिमल। सबसे पहले जो है आपके पास 0 से लेकर 9, ये जो है ना ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये डिफॉल्ट नंबर सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें आपके पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स आते हैं और इसकी बेस 10 होती है। मीन 0 से लेकर आप 9 तक काउंट करें तो नंबर्स आपके पास 10 ही बनेंगे। स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट नंबर है आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंटेन्स 0 एंड 1, बट इसमें आपके पास तादाद देखें कितनी है, 2 नंबर्स हैं, 0 एंड 1, तो इसलिए इसकी जो बेस होगी वो 2 होगी आपके पास। अगला नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें आपके पास आते हैं 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स, बट ये भी कितने काउंट में होते हैं आपके पास, 8 डिजिट्स होते हैं, इसलिए हम इसकी बेस लगा देते हैं 8। और अगला नंबर है इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेकर 9 तक। ऑब्वियसली जैसे कि आपको बताया है इसमें 10 नंबर्स हैं इसलिए इसकी बेस 10 है। अगला नंबर आता है हेक्साडेसिमल, यानी अगर आपने 10 से आगे वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। अब देखिए ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? आप 1 1 लिखेंगे ये आपको लगेगा कि बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसमें 1 1 जो बाइनरी नंबर के अंदर आता है वो मौजूद है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? अब 1 2 है, ये 12 नहीं बन रहा, ये 1 और 2 बन रहा है, और ये नंबर जो है ये डिजिट्स जो हैं ये आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी 0 से लेकर 7 के अंदर। अगर 1 4 लिखें, 1 9 लिखें तो ये आपके पास डेसिमल में आ जाते हैं, बट इट डजेंट शोइंग कि आप इसको 19 लिख रहे हैं, इसको 14 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो जरूरत है ना वो अगले नंबर सिस्टम की है, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। 10 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो है अल्फाबेट ए से, 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट बी से, 12 सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ। इसमें आपके पास टोटल 16 नंबर्स होते हैं, मीन 0 से लेकर 15 तक आते हैं, 0 से लेकर F तक, यानी 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसकी बेस जो है वो 16 आती है, होते डिजिट इसमें जो है 15 है। तो ये तो आपके पास 4 नंबर सिस्टम्स हो गए हैं। आप लोग काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको कंप्यूटर मैथ्स में जिस भी लेक्चर के अंदर हेल्प चाहिए, जिस टॉपिक के अंदर हेल्प चाहिए, आई विल मेक वीडियो ऑफ दैट टॉपिक and upload soon. Thank you.